कर सकूं, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और चूंकि ये लेंथी बहुत है, तो इसका जो पहला हमने लेक्चर देखा था वो इसके जनरल आर्थ्रोपोड्स का और आर्थ्रोपोड्स के करैक्टरिस्टिक का, उस हवाले से हमने बात की थी, और उसके बाद सेकंड जो लेक्चर था वो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड। तो आज के लेक्चर में यानी बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स तो हमने देख ली थी, लेकिन जो क्लास हेक्सापोडा है या इंसेक्ट्स हैं वो हमारा क्लासिफिकेशन भी और उसके करैक्टरिस्टिक भी हमारे रह गए थे। तो आज का जो लास्ट पार्ट है आर्थ्रोपोड का वो है क्लास हेक्सापोडा या क्लास इंसेक्टा। इसको आज हमने डिटेल्स में करना है, इसके जो है यूनिक फीचर्स भी, करैक्टरिस्टिक भी, इसकी एनाटॉमिकल्स जो है इनके यानी के इसके डिफरेंट सिस्टम भी, माउथ पार्ट के हवाले से भी, और जो सोशल इंसेक्ट हैं वो कौन से हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे इंसेक्ट्स की ऑर्डर, यानी मेजर हम उसके ऑर्डर्स देखेंगे। क्लास तो इंसेक्टा है और उसके ऑर्डर जो है बहुत सारे हैं, वो मैं इम्पॉर्टेंट और बहुत जो है वो उसको ब्रीफ वे में करवाऊंगी, और साथ क्वेश्चन भी शेयर करेंगे। तो आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग भी है, लेंथी भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों ने इसको जो है बहुत अटेंटिव होके जो है सुनना है। जो क्वेश्चन आप मेरे से करते हैं मोस्टली क्वेश्चन का मैं साथ साथ आंसर दे देती हूँ, तो जो कुछ रह गए हैं वो भी मैं साथ साथ जो है वो कर दूंगी, तो इससे आपने वो नहीं होना कि हमें जो है उसके आंसर नहीं मिल रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोड क्लास इंसेक्टा, इसके यूनिक करेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो इंसेक्ट की पहचान क्या है, हम किस तरह से कहते हैं कि इंसेक्ट है। अगर हमने उसको दो तीन लाइनों में डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि आर्थ्रोपोड हुज बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टेग्यूमेंट, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एंड फ्रॉम थोरेक्स थ्री पेयर ऑफ लेग्स एंड टू पेयर ऑफ विंग्स अराइज्ड। तो यानी कि जिनकी बॉडी जो है उसको हम तीन टेग्यूमेंट में डिवाइड किया है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और साथ हमने ये कहा है कि थोरेक्स रीजन से थ्री पेयर ऑफ लेग्स यानी टोटल सिक्स लेग्स निकले और टू पेयर ऑफ विंग्स। तो ये इनकी जो है हेक्सापोडा की जो है या क्लास इंसेक्टा की पहचान है। मेजर टेग्यूमेंट आर हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एवरी सेगमेंट कंपोज्ड ऑफ फोर क्यूटिकल प्लेट्स। अच्छा, एक चीज और इसकी जो है वो याद रखने के काबिल है कि इनके जितने भी सेगमेंट हैं उस सेगमेंट के ऊपर जो है वो क्यूटिकल की प्लेट्स चढ़ी हुई हैं, उनकी डॉर्सल साइड पे अलहदा प्लेट होगी, वेंट्रल पे अलहदा होगी, लेटरल की अलहदा होगी। जो डॉर्सल साइड की प्लेट होगी उसको हम टर्गम कहेंगे, टर्गम इज अ क्यूटिकल प्लेट एट द डॉर्सल साइड इन ईच सेगमेंट, और वेंट्रल साइड पे जो प्लेट होगी उसको स्टर्नम बोलेंगे, और लेटरल साइड पे एक लेटरल साइड पे भी पेल्यूरा की प्लेट होगी, दूसरी लेटरल साइड पे भी पेल्यूरा, यानी दो पेल्यूरल्स जो है वो प्लेट होंगी। तो फोर टाइप्स की जो है क्यूटिकल प्लेट है, डॉर्सल साइड पे टर्गम, वेंट्रल पे स्टर्नम और लेटरल पे पेल्यूरल पेल्यूरा। उसके अलावा इनके करेक्टरिस्टिक में थॉरेक्स हम देखते हैं, थॉरेक्स के फर्दर जो है थ्री सेगमेंट है, तो थॉरेक्स रीजन के क्या है थ्री सेगमेंट्स हैं, और उन सेगमेंट के क्या नाम है, प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोटोथोरेक्स थोरेक्स का पहला सेगमेंट, उसके बाद मीजोथोरेक्स और फिर मेटाथोरेक्स, ईच बेरिंग अ पेयर ऑफ लेग्स, और हर इस सेगमेंट से वन पेयर निकल रहा है, तो टोटल थ्री पेयर हो जाएंगे। वन पेयर प्रोटोथोरेक्स से निकलेगा, वन पेयर मीजोथोरेक्स से, और वन ही जो है वो मेटाथोरेक्स से निकलेगा। इस तरह टोटल कितने हो जाएंगे, थ्री पेयर ऑफ जो है वो लेग्स हो जाएंगे। लेकिन जो विंग्स हैं वो मीजो और मेटा से निकलेंगे क्योंकि वो टू पेयर हैं, तो एक पेयर मीजोथोरेक्स से जो है राइज होगा और दूसरा किससे होगा, मेटाथोरेक्स से। तो प्रोटोथोरेक्स से कोई भी विंग जो है वो नहीं निकलेगा, तो टू पेयर ऑफ विंग्स हैं। अच्छा, एक और चीज है, हम कहते हैं कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो विंगलेस हैं, तो उनको फिर क्यों हम इंसेक्ट जो है वो कहते हैं। तो जैसे अब लाइसिस हैं, जैसे टर्माइट्स हैं, आंट्स हैं, तो इनकी अगर हम जो है वो जुवेनाइल स्टेज देखें, लार्वल स्टेज देखें, तो उनमें विंग्स हैं, उसके बाद इन्होंने अपनी अडेप्टेशन के लिहाज से विंग्स उतार दी हैं। लेकिन कुछ टर्माइट्स ऐसी भी हैं
जो फर्टिलाइजेशन के दौरान विंग्स रखती हैं और उसके बाद वो विंग्स उतार देती हैं, लेकिन जब भी विंग्स होंगे उनके तो उनके टू पेयर होंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका वन पेयर हमें जो है वो नज़र आ रहा होता है वन पेयर, और दूसरा जो है वो बहुत रूडीमेंट्री सा होता है या उसकी मॉडिफिकेशन हुई होती है, जैसे मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई है, तो उसमें वन पेयर जो है वो बड़ा होगा और जो दूसरा पेयर है विंग का वो छोटा होगा, जिसे हाल्टर बोलेंगे, और वो हाल्टर जो है वाइब्रेट करता रहेगा और वो ड्यूरिंग फ्लाइट जो है उसको एक्लिब्रियम देगा, एक्लिब्रियम मेंटेन करवाएगा, इसलिए उसे बैलेंसर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि ये विंग्स इनके होते ज़रूर हैं चाहे इनकी जो है लाइफ साइकिल में हो, लेकिन जब भी होंगे टू पेयर ऑफ विंग्स, और जिसका मैंने बताया है कि हाउस फ्लाइज है होते उनमें भी टू पेयर है, लेकिन वन पेयर जो है वो ट्रू विंग है वो फ्लाइट करवाता है, और जो दूसरा विंग है वो मॉडिफाई होकर बैलेंसिंग करवा रहा है, बैलेंसर के तौर पर है या वो हाल्टर के तौर पर है। सो विंग्स हैं क्या? क्यूटिक्यूलर एपिडर्मस एक्सटेंशन, क्यूटिक्यूलर एपिडर्मस एक्सटेंशन। इस कुछ क्वेश्चन जो है वो बच्चे कर रहे थे कि जी मैम ये भी जॉइंटेड हैं तो जो है मैमल हम भी जॉइंटेड हैं तो हम में और फिर इनमें क्या फ़र्क है? तो जॉइंट्स जो है ये जॉइंट्स ज़रूर हैं इनमें, हमारे हम भी मानते हैं हमारी लेग्स में हमारी आर्म्स में हमारे जॉइंट्स हैं, लेकिन वो जॉइंट्स प्रॉपर जॉइंट्स हैं, वो बोन्स के जहाँ बोन्स मिल रही होती हैं वहाँ पर जो जॉइंट बनता है वो उसको या हिंग जॉइंट कहेंगे या बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। तो इनमें ऐसे नहीं है, इनके जॉइंट तो ऐसे बन गए हैं कि जहाँ पर क्यूटिकल बहुत थिन हो गई है बहुत पतली हो गई है तो वहाँ पे हम आ गया है उसको हम जॉइंट बोलेंगे, तो वो स्ट्रक्चर का बहुत फ़र्क आ जाता है। जॉइंट इनके भी मूवेबल हैं, हमारे भी बहुत सारे हैं जो मूवमेंट करवाते हैं हमें, बेंट करवाते हैं, बिठाते हैं, हम खड़े होते हैं, झुकते हैं इन्हीं की वजह से, लेकिन वो जो उसका दूसरा ये है कि ये इनवर्टिब्रेट है, इनमें तो बोन्स है ही नहीं, इनवर्टिब्रेट्स हैं ये, इनमें जो है वो वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं है, बोन्स ही नहीं है, तो इनके जॉइंट्स जो है उसका टेक्सचर ही चेंज होगा, उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज होगी, तो हमारे जॉइंट्स जो हैं वो और हिसाब से हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा वो अजीब सा क्वेश्चन है कि हम जो है भी हमें भी आर्थ्रोपोड होना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये क्यूटिकल है, जस्ट इनका जो है जितने भी इनके जॉइंट्स हैं वो क्यूटिकल के बने हुए हैं, हाँ, तो हमारे ऐसा नहीं है। और अगर इनकी विंग्स देखें तो वो क्यूटिक्यूलर एपिडर्मस एक्सटेंशन जो है वो होती है, और वो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम इनके भी विंग हैं तो जो है बर्ड्स के भी विंग हैं तो फिर तो इनको बर्ड्स होना चाहिए, तो वो भी मैं बताती चलूँ कि ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं, मतलब जो बर्ड्स के विंग हैं वो प्रॉपर आपको उसमें से बोन्स नज़र आ रही होंगी, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, तो इनमें तो ये है ही क्यूटिकल की एक्सटेंशन, तो ये ज़रूर काम। और हमें पता है कि ऐसे ऑर्गन जो एक जैसे नज़र आ रहे हुए हो और काम भी एक करें लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कभी भी मैच ना कर रही हो, उनको हम एनालॉगस जो है वो ऑर्गन बोलते हैं, और इस तरह की एवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये ऑर्गन जो है इनके बर्ड्स के जो विंग्स हैं और इंसेक्ट के जो विंग्स हैं वो एक दूसरे के एनालॉगस हैं, माना कि उनका फंक्शन सेम है, माना उनकी शक्ल सेम लग रही है, लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उनके जो इंटरनल जितनी भी स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, और इनके जो इंसेस्टर हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ऐसी एवोल्यूशन को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। समटाइम ओनली वन पेयर ऑफ विंग्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनका जो है वन पेयर होता है और दूसरा जो होता है वो हाल्टर के तौर पर है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, जैसे हमें ट्रू फ्लाइज में नज़र आता है हाउस फ्लाई में। सम आर विदाउट विंग्स, और जैसे मैंने इनका बताया कि कुछ में होते ही नहीं है लेकिन उन्होंने अपने लाइफ साइकिल में ये रखे होते हैं। और एब्डोमन इनका जो है वो वेरी करता है, ये तो कन्फर्म है कि थोरैक्स में तीन सेगमेंट होंगे लेकिन एब्डोमन का वेरी करता है 9 to 11 सेगमेंट, कि ये कितने सेगमेंट हो सकते हैं 9 to 11 विदाउट एनी अपेंडेजेस, इस पे आपको कोई अपेंडेजेस नज़र नहीं आएगा, हाँ लास्ट में एक पेयर होगा एक छोटा सा जिसको सरसी कहेंगे, और ये सरसी मेल में नज़र आएगा एज अ कापोलेटरी ऑर्गन, तो ये और नहीं है इसमें कोई किसी किस्म के एब्डोमिनल जो है वो अपेंडेजेस नज़र नहीं आएंगे। हेड इनका कैसा है?
हेड में जो है ये भी इनकी डेफिनेशन में आता है कि हेड में इनका वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज मैं ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ, तो वन पेयर होगा, वन पेयर ऑफ एंटीना, इनमें जस्ट वन पेयर होगा और टू पेयर या थ्री पेयर नहीं होंगे, एंड माउथ पार्ट उसमें क्या क्या होगा, माउथ पार्ट जो इनके खास किस्म की प्लेट्स होती हैं क्यूटिकल की, जिससे ये खुराक को या च्यूइंग करते हैं या उसको सकिंग करते हैं, स्पॉन्ज करते हैं, स्पॉन्ज के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ये मुख्तलिफ टाइप के इनके माउथ पार्ट्स हैं, आगे हम देखेंगे। तो उस माउथ पार्ट में जो इनके जो लोअर जाज के तौर पर हैं वो मैंडिबल हैं और उसका एक पेयर होगा, और जो अपर जा के तौर पर है वो भी, वो मैगजीला कहलाएगा, उसका भी एक पेयर होगा। सो हम कह सकते हैं हेड कॉन्टेंट विद वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, वन पेयर ऑफ एंटीना, वन पेयर ऑफ मैंडिबल, वन पेयर ऑफ मैगजीला, एंड सिंगल लेबियम एंड सिंगल लेब्रम एंड अ सिंगल टंग लाइक हाइपोफेरिंग्स। ये लेबियम भी लेब्रम भी ये पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे, ये सिंगल सिंगल होंगे, और हाइपोफेरिंग्स ये सब जो है फूड को जो है वो चीविंग करने में मदद देंगे, फूड को गैदर करने में, उसका बॉलस बनाने में और उसको एसोफेगस में लेके जाने में ये सब मदद करेंगे, तो ये यानी कि इनकी सपोर्ट करवाएंगे। तो ये जितने भी माउथ पार्ट्स हैं ये जो है इनका जो नंबरिंग है वो जहन में रखिएगा कि कैसे कैसे हैं। इंसेक्ट में खसूसन फिर से रिपीट कर देती हूँ, हेड कॉन्टेन अ वन पेयर ऑफ आइस, कंपाउंड आइस, वन पेयर ऑफ एंटीना, वन पेयर ऑफ मैगजीला, वन पेयर ऑफ मैंडिबल एंड सिंगल लेबियम, सिंगल लेब्रम एंड सिंगल टंग लाइक हाइपोफेरिंक्स। बाकी इनका वो जो रेस्पायरेशन है वो मैंने पहले बता दी हुई है, रेस्पायरेशन इनकी जो है वो ट्रेकियल सिस्टम थ्रू होगी, ट्रेकिया वो आगे हम काकरोच में देखेंगे, और एक्स इनकी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए होगी जो ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा। ये मैं बार बार कह चुकी हूँ इसलिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये कुछ हेक्सापोडा के कुछ मेंबर जो हैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाए हुए, ये सब जो है इंसेक्ट हैं, मेंटस जैसे हैं, जैसे ये जो है वो बटरफ्लाइज हैं, ग्रासहॉपर है, लोकास्ट हैं, मुख्तलिफ जो है यहाँ पर डायग्रामेटिकली शेयर किया हुआ है। इंसेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 77 आर्थ्रोपोड में से क्या है इंसेक्ट हैं। एक्सटर्नल फीचर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस की है, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आप देख लें। डायग्राम में आप ये देखिए कि हेड का जो है ये इसके साथ आपको नजर आ रहा होगा वन पेयर ऑफ एंटीनी, उसके साथ सेंसरी ऑर्गन लगे हुए हैं जैसे ऑसिलाई है, ये है, इसके अलावा हाँ यहाँ पर अगर आप थॉरेक्स देखो तो थॉरेक्स में ये जो ये बड़ा सारा है, पहला ये प्रोटोथॉरेक्स है, उसके बाद ये सेगमेंट जो है ये मीजोथॉरेक्स है, और ये वाला सेगमेंट जो है ये मेटाथॉरेक्स है। और अगर आप लेग्स देख रही हैं, अगर आपको नजर भी वन पेयर निकल रहा है स्मॉल लेग का, और मीजोथॉरेक्स से भी निकल रहा है वन पेयर, और जो मेटाथॉरेक्स है उससे सबसे बड़ा जो है बड़ी लेग्स जो है उसका पेयर निकल रहा है, और जो इनके विंग्स हैं वो प्रोटो से नहीं निकल रहे, प्रोटो से कोई विंग नहीं निकलेगा, वन पेयर निकलेगा इससे मीजोथॉरेक्स से, और वन पेयर किससे निकलेगा मेटाथॉरेक्स से, और बाकी ये सारे इसके क्या है एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल सेगमेंट है, और हर सेगमेंट का ये अच्छा ये जो डॉर्सल साइड पे है ये टर्गम है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डॉर्सल साइड पे जो प्लेट होगी वो टर्गम, जब भी कॉकरोच का हम डाइसेक्शन करते हैं तो डाइसेक्शन करने से पहले हमें ये टर्गम जो है ये उतारना पड़ता है, पेल्यूरा उतारना पड़ता है, और फिर हम इसका करते हैं, इसको डॉर्सल साइड ऊपर रखते हैं और वेंट्रल साइड इसकी क्या रखते हैं नीचे रखते हैं, जब भी इसका इसकी डाइसेक्शन करनी होती है कॉकरोच की या ग्रास हॉपर की। वेंट्रल प्लेट है और टर्गम हमें बहुत वैरायटी नज़र आती है, और यहाँ पर ये जो माउथ पार्ट लिए हुए हैं ये च्यूइंग माउथ पार्ट हैं, और ग्रास ऊपर के भी इस तरह के हैं, काकरोच के भी, लोकास्ट के भी, क्रिकेट के भी, इन सब के आपको एक तरह के मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरह है कि ये जो साइड्स पे दो हैं ये मैंडिबल हैं, और मैंडिबल के ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्सटेंशन है किसकी, ये क्यूटिकल की है, और काटने के तौर पर है, खुराक को काटते हैं छोटे छोटे पीसेस में, ये इसके जो है वन पेयर क्या हो गया मैंडिबल, और ये वन पेयर जो है नीचे जो है ये वन पेयर इसका मैगजीला है, ये भी खुराक को जो है ये मैगजीला जो है ये अपर जा की तरह का है और मैंडिबल जो है लोअर जा की तरह की है, और ये खुराक को जैसे टीथ तोड़ते हैं इस तरह ये तोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा ये सिंगल लेब्रम है और सिंगल ही लेबियम है, तो यहाँ पर लेबियम भी क्या है
वो भी सिंगल है, ये लेबियम विद लेबियल पल्प, ये खुराक को गैदर करते हैं और बोलस बनाते हैं। तो इसके साथ ही ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है लेबियम के ऊपर, इसको हाइपोफेरेंस कहेंगे, ये धकेलेगी खुराक को आगे एसोफेगस की तरफ। तो ये सारे च्यूइंग माउथ पार्ट हैं। जितने भी हर्बीवोर्स आपको नजर आएंगे जो खुराक हार्ड खुराक लेते हैं, जो बहुत सख्त किस्म की खुराक को तोड़ते हैं, जितने भी हर्बीवोर इंसेक्ट होंगे तो उनके माउथ पार्ट जो है वो हमें बड़े टफ से नजर आएंगे, बड़े खुराक यानी कि हार्ड होंगे, और वो क्या करेंगे, वो तोड़ने के लिए, च्यू करने के लिए इस्तेमाल होंगे, तो वो च्यूइंग माउथ पार्ट रखेंगे। बड़े क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पे कि फ्लांग के किस तरह के माउथ पार्ट हैं, फ्लांग के किस तरह के हैं, तो वो यानी कि इसमें जो ग्रास ऑपर है, काकरोच है या और जितने भी हर्बी वोर्ड्स हैं उनके जहन में रखिएगा कि उनके माउथ पार्ट कैसे होंगे च्यूइंग। हाँ जी, ये यहाँ पर जो पर्सिंग माउथ पार्ट, दूसरे लफ्जों में इसको हम सकिंग माउथ पार्ट भी कहते हैं, पर्स करना, सक करना, ये ज़्यादातर ये वो इंसेक्ट होंगे जो फेल्योड लेते हैं, जो लिक्विड लेते हैं, जैसे मॉस्किटो है तो उसने ह्यूमन बीइंग से वो पंच करना है उनकी टिश्यू को और अंदर से जो है वो लिक्विड उठाना है, ब्लड उठाना है, तो इनके उस हिसाब से मॉडिफाइड है ऐसे। इनमें भी क्या है कि वन पेयर ऑफ मैगजीला है ये यहाँ पे, और ब्लैक कलर का आपको मैंडिबल नज़र आ रहा है, ये वन पेयर ऑफ मैंडिबल है, फिर उसके बाद सिंगल इसका लेब्रम है, सिंगल इसका लेबियम है, ये सारा वैसा ही है, लेकिन इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, शक्ल है, वो टोटली क्या है, च्यूइंग वालों से डिफरेंट है। तो चूँकि इन्होंने हार्ड जो है उसको, खुराक को तोड़ना नहीं है बल्कि इन्होंने लिक्विड को सक करना है, तो इनकी ट्यूब लाइक होंगे ताकि उस ट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है ये क्या कर सकें, ये लिक्विड को अपने अंदर रख सकें और बॉडी में लेके जा सकें। तो इस तरह के जो माउथ पार्ट होंगे उन्हें पर्सिंग माउथ पार्ट या सकिंग माउथ पार्ट नाम देते हैं, और उसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों के सामने है, यानी मॉस्किटो। तो मॉस्किटोज जितनी भी वैरायटी के हैं उनके पर्सिंग माउथ पार्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर दो तरह के माउथ पार्ट दिखाए हुए, एक साइफोनिंग माउथ पार्ट और दूसरा स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट। साइफोनिंग माउथ पार्ट ये भी सकिंग माउथ पार्ट की तरह है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, एक ये है कि इनमें मैंडिबल नहीं है, है ये भी सक करते हैं, लेकिन सक करने के बाद ये काफ़ी देर जो है उसको अपने ये क्वाइलिंग मैगजीला में रखते हैं, ताकि जब तक ये मैगजीला, ये जो ट्यूब है ये भर ना जाए फेल्योर से, तब तक जो है ये आगे ना भेज सकें, तो इनमें मैंडिबल नहीं होता। एक तो ये है कि इनमें मैंडिबल नहीं है, इनमें मैगजीला है, और वो अपनी टिप पे बहुत ज़्यादा क्वाइल है, और ये ज़्यादातर उन इंसेक्ट में होता है जिन्होंने नेक्टर लेना होता है, जिन्होंने प्लांट से नेक्टर उठाना है, और उन्होंने हर तरह के फ्लावर के अंदर जो है इसको भेजना है, और ये ज़्यादा इलॉन्गेटेड होंगे और ये सक करेंगे, है ये भी सकिंग, लेकिन इस तरह की सकिंग जिसमें मैंडिबल ना हो, सिर्फ मैगजीला हो और वो भी क्वाइल्ड हो, इस तरह के माउथ पार्ट को हम साइफोनिंग माउथ पार्ट या बटरफ्लाईज हैं, इनमें हमें किस तरह के नज़र आते हैं, इसमें हमें साइफोनिंग माउथ पार्ट नज़र आते हैं। और स्पॉन्ज की तरह के जो माउथ पार्ट हैं वो हमें फ्लाईज में नज़र आते हैं, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, उसके ऊपर जो है उसके जितने भी माउथ पार्ट हैं ये बहुत सख्त नहीं होंगे, ये नरम से होंगे और छोटे छोटे ब्रिस्टल लगे होंगे, ये स्पॉन्ज की तरह स्पॉन्ज रख दी जाती है और वो लिक्विड जो है वो डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह ये स्पॉन्ज की तरह के माउथ पार्ट किसमें होंगे, ये हाउस फ्लाई में होंगे। तो जब भी आपसे पूछे कि इनके माउथ पार्ट कैसे हैं, तो ये कहना है कि इनकी स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट है। तो ये हमने चार तरह के माउथ पार्ट जो है वो देखे इंसेक्ट में। एमसीक्यूज देखते हैं जो इंटरेस्टिंग है और जो हमने पढ़ लिया उसमें से किस तरह के एमसीक्यूज निकल सकते हैं। द फंक्शन ऑफ माउथ पार्ट इन मॉस्किटो इज ऑफ फूड। तो मॉस्किटो के माउथ पार्ट किस तरह के होंगे, ए पे पर्सिंग है, बी पे च्यूइंग है, सी पे साइफोनिंग है और डी पे स्पॉन्जिंग है। तो ये इसमें पर्सिंग आएगा, यहाँ पे अगर सकिंग लिखा होता तब भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्सिंग माउथ पार्ट आएगा। और यहाँ पे अगर मॉस्किटो की जगह काकरोच हो या ग्रास ऑपर हो तो तब च्यूइंग आएगा, और अगर हाउस फ्लाई की बात हो रही हो तो तब हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट। क्वेश्चन नंबर टू, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विंगलेस।
कौन से हैं इंसेक्ट जो विंगलेस हैं? ए पे मेंटिस, बी पे सिल्वर फिश, सी पे डैमसल फ्लाई और डी पे मॉथ। तो यहाँ पर विंगलेस जो है वो सिल्वर फिश है। यहाँ पर लाइसिस होता तब भी हम लगा देते, तो सिल्वर फिश के जो है वो क्या है, विंग्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिल्वर फिश। या यहाँ पर यह भी पूछ सकते हैं कि कौन से हैं जो हाल्टर रखते हैं या बैलेंसर रखते हैं, तो तब हमने क्या करना था, तब हमने हाउस फ्लाई का लगाना था। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ हाल्टर इज कॉमन इन, हाँ जी ये है भी इधर नीचे कि हाल्टर किन में कॉमन है, तो वो ऑप्शन में हम क्या कहेंगे, हाउस फ्लाइज। जो हाउस फ्लाइज के मेंबर हैं उनमें हाल्टर कॉमन है। हाल्टर ये भी पूछ सकते हैं कि हाल्टर का फंक्शन क्या है, वो नीचे जो है ऑप्शन में फिर देना पड़ेगा। तो ये मुख्य तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट मैच विद इंसेक्ट, कौन सी चीज है जो इंसेक्ट के साथ मैच नहीं करती? ए पे है लेग्स फ्रॉम थोरेक्स, बी पे अ पेयर ऑफ एंटीना, सी पे अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, डी पे विंग्स फ्रॉम प्रोटोथोरेक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें हमने डेप्थ में पढ़ा होगा तो आंसर देंगे, अगर हमारे कॉन्सेप्ट होंगे तो हम आंसर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि विंग्स जो हैं वो प्रोटोथोरेक्स से नहीं निकलते, वो मीजो और मेटाथोरेक्स से निकलते हैं, तो डी ऑप्शन इसका आएगा कि वो उससे नहीं निकलते। या यहाँ पर ये भी आ सकता था अपेंडेजेस फ्रॉम या विंग्स फ्रॉम एब्डोमिनल सेगमेंट, तो तब भी वो मैच नहीं करना था। तो इस तरह के ये कोई एक दफ़ा अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा होता है, तो फिर हमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग नहीं लग रहे होते, हम आराम से उनका आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहें, और जो है साथ साथ अगर ये लेक्चर आप ले लेंगे तो बुक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और फिर जो चीज़ें मेरी तरफ से मिस हो जाती हैं वो आराम से आप अपनी बुक से देख सकते हो, तो एक लिहाज से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, तो तब ये क्वेश्चन इस तरह के आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। सिस्टम इनके मैंने पहले भी आप लोगों के साथ स्टडी किए हैं, तो थोड़े ब्रीफली मैं स्टडी करवा देती हूँ, जो जो मिस हो गए थे सिस्टम जो हमने आर्थ्रोपोड में नहीं पढ़े, तो वो सिस्टम हम जो देख लेते हैं। जैसे इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ज़रूर कह दिया था कि इंसेक्ट का ट्रेकियल सिस्टम होता है, लेकिन ट्रेकिया को हमने डिटेल में नहीं देखा था कि ट्रेकियल सिस्टम कैसे है। तो यहाँ से मैंने कॉकरोच का लिया है, कॉकरोच ग्रास ऑपर इनका आपको सेम मिलेगा, बाकियों का भी जो है वो ज़्यादातर ये आप टेरिस्ट्रियल है, तो ये जितने भी टेरिस्ट्रियल होंगे वो क्या करेंगे, ट्रेकियल सिस्टम रखेंगे और इनका ये कॉमन होगा। हाँ, इनके कुछ जो एनाटॉमी है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। इनके जो ट्रेकियाँ हैं वो क्यूटिकल की बनी हुई हैं, जो एयर पाइप हैं वो सारे क्यूटिकल के बने हुए हैं, क्यूटिकल की छोटी छोटी प्लेट्स होंगी और जो फ्लेक्सिबल होंगी, और वो बिल्कुल वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी देगी जो हमारी ट्रेकिया में है। तो इनके जो ट्रेकियल सिस्टम है उनमें लॉन्गिट्यूडनल भी हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, दो लॉन्गिट्यूडनल इनकी ट्रेकियल जो है वो हैं लाइनिंग जो है, और उसके बाद ये कनेक्टेड है कॉमिश्योरल ट्रेकिया से, जो ट्रांसर्व है उसको क्या कहेंगे, कॉमिश्योरल ट्रेकिया। और उसके बाद इनके लेटरल डॉर्सल साइड पे भी हैं ट्रेकिया, और लेटरल इसके वेंट्रल साइड पे भी हैं, वन पेयर ऑफ डॉर्सल ट्रेकिया एंड वन पेयर ऑफ लेटरल ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया बाहर से खुलते किससे हैं, ये छोटे छोटे पोर से खुलते हैं, हर सेगमेंट में आपको पोर नजर आएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, स्पायरेकल। और स्पायरेकल टोटल 10 पेयर होंगे, ये जहन में रखिएगा, टोटल ये क्या है, 10 पेयर हैं। इनके 2 पेयर जो हैं वो थोरेक्स में पड़े हुए हैं, बाकी जो इसके 8 पेयर हैं ये एब्डोमन में हैं, तो टोटल ये 10 पेयर हो जाएंगे, यानी टोटल 20 जो है स्पायरेकल्स होंगे, 10 पेयर मीन 20। तो उसमें से 2 पेयर जो है वो कहाँ से निकलेंगे, वो इससे थोरेक्स से, और बाकी जो इसके 8 पेयर हैं वो कहाँ से निकलेंगे, वो यानी कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो होंगे एब्डोमन से। तो स्पायरेकल वो ओपनिंग है जहाँ से एयर एंटर होगी, और एयर एंटर होके वो कहाँ जाएगी, वो डॉर्सल में और ट्रेकिया में, और फिर डॉर्सल किसके साथ कनेक्टेड है, वेंट्रल, और ये आपस में किसके साथ कनेक्टेड है, ट्रांसर्व, और इस तरह फिर यहाँ से ये पूरे ट्रेकिया में ये एयर चली जाएगी, और फिर हर ट्रेकिया से, चाहे वो डॉर्सल है वेंट्रल है, वहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेज निकलेंगी। ये एक ट्रेकिया दिखाया हुआ है इधर से, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये ट्रेकियल लाइनिंग दिखाई हुई है, और इसके ओपनिंग भी दिखाई हुई है, ओपनिंग इसकी जो है, जिसको मैंने पहले बोला है कि स्पायरेकल है,
ठीक है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ट्रेकिया से जो फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, उन ब्रांचेस को बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जो ब्रांचेस हैं उनको ट्रेकियोल बोलेंगे, और ये ट्रेकियोल डायरेक्ट सप्लाई करेंगी, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होगा बॉडी की टिश्यू के साथ। ये नहीं है कि कोई ब्लड वेसल है तो उसके जरिए ये देंगे, इनडायरेक्ट सप्लाई करेंगे, नहीं, ट्रेकियोल डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। डायरेक्ट ये बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, और उससे क्या है, डायरेक्ट क्या लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह डायरेक्ट लेने से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, यही वजह है कि इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत हाई होता है। ये हाईली अलर्ट रहते हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस है, और इनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और जब ऑक्सीजन होगी तो हम कहेंगे कि मेटाबॉलिक सिस्टम क्या है, मेटाबॉलिक रेट क्या है, वो बहुत एडवांस्ड है। बाकी जो इनका इंस्पायरेशन और जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो इस तरह से है कि जब इन्होंने इंस्पायरेशन करनी है तो जो फर्स्ट फोर स्पायरेकल्स के पेयर हैं, फर्स्ट फोर स्पायरेकल्स के पेयर जो है इंस्पायरेशन में वो ओपन होंगे, पहले चार, दो जो है वो उसमें से थॉरेक्स में से और दो एब्डोमेन में से, तो चार पेयर जो है फर्स्ट फोर पेयर ये ओपन होंगे स्पायरेकल के, और लास्ट वाले जो सिक्स पेयर हैं वो क्लोज होंगे। फर्स्ट फोर पेयर ओपन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड लास्ट सिक्स पेयर क्लोज्ड, और इस तरह जब ये क्लोज होंगे और ये फर्स्ट वाले ओपन होंगे तो जहां से ये ओपन हुए हैं तो वहां से ऑक्सीजन जो है वो अंदर आएगी, इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, इंस्पायरेशन का, यानी इनहेल करेंगे होगी। और जब इन्होंने एक्सपायरेशन करनी है तो लास्ट के जो छः स्पायरेकल हैं वो ओपन होंगे और पहले चार जो पेयर हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। सो इन एक्सपायरेशन लास्ट सिक्स पेयर ऑफ स्पायरेकल ओपन एंड फर्स्ट फोर जो पहले ओपन थे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो इस तरह प्रेशर के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में पहले चार स्पायरेकल के जो पेयर हैं वो ओपन होते हैं और लास्ट के सिक्स पेयर क्लोज होते हैं, और एक्सपायरेशन में लास्ट के सिक्स पेयर जो है ओपन होते हैं और पहले चार पेयर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। कुछ इस तरह के तरह से इनकी कहानी है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बड़ा शेयर किया हुआ है, साथ मैंने माउथ पार्ट भी कर दिए हैं। ये भी शेयर कर देती हूँ कि कुछ जो हैं वो जो हैं हमारे इंसेक्ट हैं वो हर्बीवोर्स हैं, कुछ ओमनीवोर हैं। काकरोच जो है वो ओमनीवोर है, वो ज़्यादातर जो है वो हार्ड चीज़ों को खाता है। किचन में जाके कोई भी हार्ड चीज़ वो रहने नहीं देगा, इवन कोई सेलुलोज की बनी हुई है तो वो उसको भी खा लेगा, कोई भी हार्ड है उसको खा लेगा। और उसके इतने वो वेल डिवेलप माउथ पार्ट हैं कि वो कोई चीज़ भी उसके उन माउथ पार्ट से जो है वो बचेगी नहीं, वो कट जाएगी। तो कुछ आपको हर्बीवोर्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये ग्रास ऊपर है, ये हर्बीवोर है, लोकास्ट जो है ये हर्बीवोर है, और जो कुछ ओमनीवोर हैं जैसे काकरोच जो है ये ओमनीवोर है, कुछ जो है वो फेलियर्ड फीडर हैं जैसे इंसेक्ट जो है ये ये मॉस्किटो फेलियर्ड फीडर हैं, या ये क्या नाम है, हाउस फ्लाई फेलियर्ड फीडर हैं। कुछ नेक्टर फीडर हैं जैसे बटरफ्लाईज हैं, जैसे हनी बीज हैं, ये नेक्टर फीडर हैं। तो इनमें वैरायटी है, कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं तो उनको हम डीकम्पोजर्स का या जो है सेक्वेंजोपोवोर्स कहेंगे या सेप्रोफाइट का नाम देंगे। जो मुर्दा जानवरों को खाएंगे तो वो सेक्वेंजीवोर्स होंगे, जो वैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे तो वो सेप्रोफिटिक या डीकम्पोजर्स कहलाएंगे। तो ये इनका फीडिंग का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है, और बाकी ये सारा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। कुछ मैंने मिस किया था कि फोर गट में कौन कौन से आते हैं, मिड गट में कौन से आएंगे और हाइंड गट में कौन से पार्ट आएंगे। बाकी पार्ट मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे कि इनमें माउथ पार्ट है, स्लाइवरी ग्लैंड है, एसोफेगस है, क्रॉप्स है, गिजर्ड है, फिर उसके अलावा इनमें से जो है ट्रू स्टमक है, हेपेटिक सीकम है, स्टमक है, और उसके बाद जो है क्या नाम है इसका इंटेस्टाइन होगी, रेक्टम और एनस। तो ये बातें हमने पहले कर ली, लेकिन इनके इन डाइजेस्टिव सिस्टम को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं फोरगट, फिर मिडगट, और लास्ट को हम क्या कहेंगे, हाइंड गट। तो फोरगट में कौन कौन से आएंगे, फोरगट में जहन में रखिएगा कि माउथ पार्ट आएंगे, स्लाइवरी ग्लैंड आएंगे, एसोफेगस आएगी, क्रॉप आएगा, और क्रॉप के बाद जो है यानी ये गिजर्ड तक, इसमें हेपेटिक सीकम आएगा और गिजर्ड, ये सारा इनका जो गिजर्ड जो तक जो है ये क्या होगा, ये इनका फोर गट होगा।
और मिड गट में जस्ट इनका जो क्या नाम है स्टमक वो होगा मिड गट में, जिसे मेसेंट्रिक भी बोलते हैं, लेकिन उसको यानी मिड गट में हम क्या कहेंगे स्टमक, जस्ट वो आएगा। और जो हाइंड गट है, हाइंड गट में क्या आएंगी, हाइंड गट में ये कोलोन यानी इंटेस्टाइन आएंगी और रेक्टम और एनस ये आ जाएगा, जिसमें मेल्फिजियन टिब्यूल्स के साथ। तो ये सारे जो हैं किस में आएंगे, हाइंड गट में आएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिया था, डायग्राम उसकी देखने वाली रह गई थी, वरना हमने देखा था। इसके साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ थोड़ा सा इनका नर्वस सिस्टम भी देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में अमूमन जिनका सिर्फ डॉर्सल ब्रेन है, अदरवाइज इनका जितना भी नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये वेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और ये डॉर्सल साइड पे इनका माउथ के पास क्या होगा, ब्रेन। तो ये ब्रेन है, बाकी इसमें ये जो है छोटे छोटे गैंग्लियन है। और इनकी लोकेशन बता दूं कि जो थॉरेक्स में है उसको हम, थॉरेक्स के बिल्कुल स्टार्ट में है उसको हम क्या कहेंगे, सब एसोफेगियल गैंग्लियन। ये थॉरेक्स से भी पहले जहाँ माउथ हेड ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे एसोफेगस के पास जो गैंग्लिया होगा उसे क्या कहेंगे, सब एसोफेगियल गैंग्लियन। और जो थॉरेक्स रीजन पे जो गैंग्लियन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, थोरेसिक गैंग्लियन। और जो एब्डोमेन रीजन पे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो ये इनके नाम दिए हुए। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ फिर आए तो इनमें 3 pairs ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है। कितने पेयर्स है, 3 pairs ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है। और साथ इनके एक और सिस्टम भी दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी डायग्राम में दिया हुआ है, वो भी मैं शॉर्टली आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, उसमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ ये चूंकि फीमेल है तो यहाँ पर इसके जो है ओवरीज हैं, ये जो पिंक कलर की दिखाई हुई है ये इनकी ओवरी है, और ओवरी से ये ओविडक्ट निकल रही है। फिर उसमें सेमिनल रिसेप्टिकल है, जो इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है कि सेमिनल रिसेप्टिकल जो है रिसीव करती है स्पर्म, और सेमिनल रिसेप्टिकल सिर्फ फीमेल में होता है, सेमिनल वेसिकल मेल में होता है। और जहाँ से ये रिसीव करेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसे ओविपॉजिटर का नाम देंगे। इसी डायग्राम में थोड़ा सा जो है वो दिखाया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर दिया था, तो वो फिर से जो है वो बता देती हूँ कि इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनकी सिलोम बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत छोटी सी सिलोम है हीमोसील के नाम से, और ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी सारे मल्टीपल इनमें हार्ट हैं, और फ्रीली ब्लड मूव करता है, ब्लड ज़्यादातर कलरलेस होगा, तो ये हीमोलिम्फ के तौर पर क्या कहलाएगा, हीमोलिम्फ कहलाएगा, ब्लड को हम हीमोलिम्फ का नाम देंगे। तो ये सारे सिस्टम जो है हमने कर लिए। हाँ जी, ये कंप्लीट। और ये ग्रीन कलर की जो आप लोगों को नजर आ रही है ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, इनको मैंने डिटेल से करवाया हुआ है कि ये बंडल्स की फॉर्म में है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और यूरिक एसिड खारिज करवाती हैं, और साथ पानी को सेव भी करवाती हैं, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाती हैं और एक्सक्रीशन करवाती हैं, इसको मजीद बताने की जरूरत नहीं। लाइफ साइकिल भी हमारा पिछले उसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, मैंने आप लोगों को करवा दिया था कि आर्थ्रोपोड्स का जो लाइफ साइकिल है उसमें मेटामॉर्फोसिस है, इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस है, और ज्यादातर जो 88% इंसेक्ट हैं उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, और बाकी जो हम कह सकते हैं बाकी जो बचते हैं उनमें से कुछ जो है वो मेटामॉर्फोसिस करते ही नहीं है, और 12% ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट करते हैं। 12% क्या करेंगे, 12% इनकम्प्लीट हैमी मेटाबोलिस करेंगे, हैमी मेटाबोलिस यानी इनकम्प्लीट, जैसे कॉकरोच है, ग्रास ओपर है, क्रिकेट है, लोकॉस्ट है, और सॉरी मैं पहले लेक्चर में टर्माइट कह गई थी कि वो कंप्लीट करते हैं, टर्माइट कंप्लीट नहीं करते, टर्माइट भी इनकम्प्लीट करते हैं क्योंकि उनके लार्वल स्टेजेस में निम्फ बनता है, तो जिनके लार्वल स्टेजेस में निम्फ बनेगा वो क्या करेंगे, वो इनकम्प्लीट यानी हैमी मेटाबोलिस रखेंगे, और 88% क्या करेंगे, कम्प्लीट करेंगे। और उनमें जैसे बटरफ्लाइज हैं, वेस्प हैं, दूसरी फ्लाइज हैं, और ये क्या नाम है इसका, हाँ जी फ्लाइज हैं, फायर फ्लाइज हैं, तो ये जितनी भी हैं ये क्या करेंगे, ये रखेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस।
और उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इनका जो एग है, पहले तो पहली बात तो यह है कि ये सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, फिर इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइज्ड एग ये जो खारिज करेंगे, उस फर्टिलाइज्ड एग से जो लार्वा निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, कैटरपिलर लार्वा। और कैटरपिलर लार्वा जो है वो बड़े मज़े से जो है वो अपनी खुराक खाएगा, अगर वो क्रॉप्स के ऊपर पे है तो क्रॉप्स को टोटली तबाह करेगा, वहाँ से वो जो है नेक्टर भी लेगा, वहाँ से फेलियर्ड भी लेगा, प्लांट के टिश्यू को भी खाएगा, तो जो है यानी वो टोटली उस पर डिपेंड कर रहा होगा कैटरपिलर लार्वा। उसके बाद जो है वो एक जगह पे सेटल डाउन हो जाएगा, अपने आप को अटैच कर लेगा, और अटैच करने के साथ ही वो इनएक्टिव हो जाएगा और जो है अपने ऊपर कवरिंग चढ़ा लेगा। जब वो इनएक्टिव होगा तो उसको हम प्यूपा कहेंगे, और प्यूपा की वो फॉर्म जिस वो बिल्कुल छुपी हुई है, हमें नज़र नहीं आती, उसके ऊपर टोटली कवरिंग चढ़ी हुई है, उसको क्राइसेलस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, क्राइसेलस। और क्राइसेलस में यानी ये टोटली इनएक्टिव फॉर्म है, और इसमें ये मोल्टिंग कर रहे हैं, और अंदर इसके चेंजेस आ रही हैं, अंदर इसके सारी चेंजेस आएंगी, और ये अपने आप को अडल्ट की तरह करने की कोशिश करेगा, इसमें विंग्स आ जाएंगी, इसमें लेग्स आ जाएंगी, और उसके बाद ये जो है जब ये इसके अंदर सारी अडल्ट वाली चेंजेस आ जाएंगी तो ये अपना बाहर वाला खोल उतार देगा, और जब उतारेगा तो नीचे से यंग जो है वो ये आपके सामने बटरफ्लाई निकल रही है, और यंग जो है वो फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा और चेंजेस करेगा, और अडल्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की एग्जांपल है, कंप्लीट लाइफ साइकिल मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटाबोलस है। और हेमी मैंने पहले ही बता दिया था कि हेमी जो है उसमें तो तीन स्टेजेस बनती हैं, उसमें एग है, निम्फ है और अडल्ट है। तो निम्फ जो है वो अपने उससे पेरेंट से रिजेंबल कर रहा होता है, जस्ट उसमें बॉडी का कलर जो है वो चेंज होता है, साइज छोटा होता है, उसमें अपेंडिसेस नहीं होते, वो आ जाते हैं, तो तब वो निम्फ जो है वो किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट में। आर्थ्रोपोड्स का, इंसेक्ट का खुसूसन जो है, ये जो है बहुत ये लंबा चौड़ा हो जाना है लेक्चर, मैंने शॉर्टली यहाँ पे बताया है, बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कलोनी बना के रहते हैं, वो जो है सोलिटरी फॉर्म में नहीं है बल्कि कलोनी फॉर्म में है, और उस कलोनी फॉर्म में वो इतने एक्टिव हैं कि वो मुख्तलिफ काम जो है वो कर रहे होते हैं, शॉर्ट टाइम में कर रहे होते हैं, और उस कलोनी में इनकी कास्ट बनी होती है। तो ऐसे इंसेक्ट को हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं। तो उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल निकलेंगी, जैसे आंट हैं, जैसे टर्माइट्स हैं, जैसे हनी बीज हैं, तो ये सोशल एनिमल के तौर पर है, इनका बिहेवियर बाकियों से बड़ा डिफरेंट होगा, ये जब मूव भी कर रहे होंगे तो लाइंस में मूव करेंगे, और ये बड़े आराम से इनके कीमो रिसेप्टर्स निकल रहे होते हैं, केमिकल ये फेंकते हैं, जिससे ये केमिकल जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि जिसे हम फिरामोन बोलते हैं, तो वो फिरामोन्स मुख्तलिफ टाइप के हैं, कुछ फिरामोन्स जब ये दो चार इनके मेंबर खुराक देखते हैं तो ये वो फिरामोन निकालना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे इनके साथी आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वो फिरामोन निकाले हुए हैं जिससे पता चलता है कि फलां जगह पे जो है वो इन्हें जो है कोई खुराक नज़र आ गई है, कोई इनको जो है जगह नज़र आ गई है रहने के लिए, तो वो फिरामोन जो है वो फूड के फिरामोन जो है वो रिलीज करेंगे। जब इनको डेंजर फील हो रहा होता है, अलर्ट इन्होंने होना होता है, तो तब भी अपने बाकी मेंबर्स के लिए ये फिरामोन छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप को अलर्ट रखें कि वहाँ पर ख़तरा है, तो उस हिसाब के फिरामोन और होंगे। और कुछ फिरामोन्स इनके केमिकल जो हैं वो मेल जो है वो खारिज करता है फीमेल को रिप्रोडक्शन के दौरान अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो जो है उस तरह के फिरामोन जो है रिप्रोडक्टिव फिरामोन्स हों कहलाएंगे। तो ये इस तरीके से अपने आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो एकदम से जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनमें जो काम के ना काज के ड्रोन जो है यानी जस्ट ये फर्टिलाइजेशन करेंगे और ये इनका कोई काम नहीं होगा। और क्वीन जो है ये जैसे मलका है, ये जो है ये इसको सबसे अच्छी खुराक मिल रही होगी और ये एग जो है ले करेगी। और सोल्जर मैंने जैसे बताया कि ये अनफर्टाइल या स्टीराइल फीमेल होती हैं जिन्होंने बहुत काम करने हैं, क्वीन ने तो जस्ट करना है एग ले करना है और क्वीन सब्सटेंस बनाना है या बस जस्ट एग ले करने हैं, लेकिन वर्कर ने क्या करना है, बिल्ड हाइव्स यानी कि वो जो शहद का छत्ता होता है वो उसको तैयार करना है, टेक केयर ऑफ एग्स, जो एग क्वीन ने दिए होते हैं उनकी जो है निगरानी करनी है, उनकी केयरिंग करनी है, अटेंड टू क्वीन, क्वीन की जो है वो उसकी जो है वो खातर मदारत करनी है। और रॉयल जेली जो है ये दो, एक तो हनी होता है, दूसरा रॉयल जेली है,
जो खास किस्म की खुराक होती है क्वीन की भी और क्वीन के एग्स की भी, जहाँ से मजीद मलका निकल सकती हैं, तो वो रॉयल जेली भी इन्होंने तैयार करनी है, हनी भी इन्होंने तैयार करना है, जगह जगह जाके वहाँ से नेक्टर लेके आना है और बच्चों को खिलाना है। ये सारे काम जो है वो किसके हैं, वर्कर्स के हैं। और जो टर्माइट्स है, टर्माइट में 5 कास्ट हैं, उसमें क्वीन भी है, उसमें किंग भी है। क्वीन और किंग जो है दोनों के विंग्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद वो अपने विंग्स उतार देते हैं। उसके अलावा इनमें सोल्जर भी हैं, इसमें नर्स भी मिलेंगी आपको और इसमें जो है वर्कर्स भी हैं। सोल्जर थोड़े बड़े होंगे और थोड़े स्ट्रांग होंगे, वो हिफाजत करने के लिए हैं, वो यानी कि आप समझ लो कि वो बॉडी गार्ड्स के तौर पर हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ऐसे ये हैं, तो वो हिफाजत के लिए होंगे और काफ़ी स्ट्रांग किस्म के होंगे। और जो वर्कर्स हैं उन्होंने बाकी काम करना होगा, उन्होंने यानी वो जो कलोनी बनाई हुई है वो बनानी है, उसकी हिफाजत करनी है, खुराक के तौर पर घर की सफाई करनी है, तो ये काम उनका होगा। तो इसमें कास्ट ज़्यादा है टर्माइट में, और टर्माइट की क्वीन भी बहुत बड़ी होती है, वो पूरे उसके इनकी कलोनी में वो वाज़ तौर पर नज़र आ रही होती है कि ये इसकी क्वीन है। हाँ जी, अब इनके इकोलॉजिकल रोल देख लेते हैं, यानी अब हम इनकी बेनिफिशियल इंसेक्ट और हार्मफुल इंसेक्ट ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन से बेनिफिशियल हैं और क्या काम करते हैं और कौन से हार्मफुल हैं। बेनिफिशियल में हमारे पास हनी बीज हैं, हनी बनाती हैं, पोलिनेट्स क्रॉप्स करती हैं, यानी पोलिनेशन का काम करती हैं, को एवोल्यूशन करती हैं, यानी ऐसा रिलेशनशिप जो कि हनी बी का और फ्लावर्स का आपस में होता है, जिससे यहाँ पे दोनों को फ़ायदा मिल रहा होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो उनकी पोलिनेशन हो जाती है और ये अपनी क्या ले लेती हैं, वहाँ से नेक्टर ले लेती हैं और हनी बनाती हैं, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, को एवोल्यूशन। तो ये चीज़ें, इसके अलावा जो है वो वैक्स जो है ये बनाती हैं, ये भी इनका काम है। तो लेडी बग्स क्या है, लेडी बग हो गई, प्रीडेशियस स्टिंक बग हो गई, तो ये हमारे जो है ये दोस्त कीड़े हैं, लेडी बग्स है, प्रीडेशियस स्टिंक बग है। इसके अलावा एक ख़ास किस्म का वैस्प भी है, तो ये क्या करता है कि ये हार्मफुल इंसेक्ट को खाते हैं, यानी ये हमारे दोस्त कीड़े हैं और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करवाते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उस लिहाज से, यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करवा के खुद ही हार्मफुल इंसेक्ट का खात्मा कर देते हैं। इसके अलावा सिल्क वॉर्म मॉथ, उसका जो लार्वा है, उसका जो कैटरपिलर लार्वा है, वो सिल्क तैयार करता है, तो वह भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ब्लो फ्लाइज हैं, ये ब्लो फ्लाइज जो हैं ये डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसकी डिकम्पोजिशन करती हैं, रिसाइकलिंग करवाती हैं न्यूट्रिएंट्स की, और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से पाक रखती हैं। और जैसे मैंने वैस्प की बात की, इचनियोमाइड वैस्प जो है, इसकी ये खासियत होती है कि ये कैटरपिलर पे जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनके कैटरपिलर के अंदर जाके और पंच करता है, और पंच करके वहाँ पर ये अपने एग छोड़ देगा, और उस कैटरपिलर लार्वा के अंदर से वो एग से जो है वो लार्वा, और फिर लार्वा से वैस्प निकलेंगे और वो इस तरह वो कैटरपिलर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हमारे नुकसानदेह हमारे लिए कैटरपिलर है, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये क्या करेंगे, उनको ये किल करेंगे। और ड्रोसोफिला जो है हमारे, हम इसको यूज़ करते हैं, जब भी जेनेटिक्स पढ़नी होती है हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को बहुत प्रेफर करते हैं, उसकी जो है वो सेक्स लिंक्ड करेक्टरिस्टिक देखने के लिए, ऑटोसोमल करेक्टरिस्टिक देखने के लिए, जेनेटिक रिसर्च करने के लिए, इसके जीनोम का पता है, इसके जीन्स का पता है, और यानी इस पर स्टडी बहुत, इसको कल्चर करना बहुत आसान है, हैंडल करना बहुत आसान है, तो इसको जेनेटिक रिसर्च में देखा जाता है, स्टडी करवाया जाता है। और हार्मफुल इंसेक्ट में भी हमारे पास जो है ये बहुत, मैंने आपसे कि वार जो है वो चलती आ रही है ह्यूमन की और इंसेक्ट की, लेकिन ये हमसे बहुत आगे हैं और जीत इन्हीं की हो जाती है। इनमें से कोई 10% जो है इंसेक्ट जो है वो प्लांट्स के पैथोजन है, 10% ऑफ ओवरऑल इंसेक्ट में से 10% जो है प्लांट के पैथोजन है। 1949 में जो कॉर्न बोरर था, ये इंसेक्ट था, इसने US में बहुत ज़्यादा कॉटन की फसलों को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में लोकास्ट
जो है वो किस तरह पूरे पाकिस्तान में उसने हमला किया और फसलों का कितने परसेंटेज उसकी जो जो क्रॉप्स की थी वो इनसे डैमेज हुई। तो ये इसके अलावा बहुत सारे हैं जो हम कैटरपिलर्स हैं, इनके लार्वी हैं। फिर ये वेक्टर के तौर पर भी हैं डिजीज काज करने के लिए, ये डायरेक्ट डिजीज काज नहीं करेंगे बल्कि जो जर्म्स पार्टिकल हैं उनको अपने अंदर रख लेंगे और फिर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर करवा देंगे। तो इसको प्रोसेस को क्या कहेंगे कि ये वेक्टर के तौर पर हैं, जैसे मलेरिया है, येलो फीवर है, एलिफेंटियासिस है, वेस्ट नाइल वायरस है, डेंगू है। तो ये सारे जो डिजीज हैं उनमें उनका जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है। मलेरिया का एनोफिलीज फीमेल और जो क्या नाम है इस तरह येलो फीवर है या ये डेंगू है, इनका जो है वो फीमेल जो है वो एजिप्टाई जो है वो है इनकी, वो भी फीमेल है। तो एलिफेंटियासिस जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो भी मॉस्किटो के थ्रू है। तो ये डिजीज़ जो है कास्ट करने के लिए वेक्टर का सहारा लेते हैं। अच्छा, एक और बात है कि हमें माइंड में आता है जब भी हम मॉस्किटो का पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये फीमेल मॉस्किटो ही वेक्टर के तौर पर काम कर रही है, मेल क्यों नहीं कर रहा। तो उसका ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ड्यूरिंग ये वाइवा पूछ लेते हैं कि ये आखिर फीमेल क्यों है, इसमें मलेरिया में भी फीमेल है, येलो फीवर में भी फीमेल जो है वो मॉस्किटो स्प्रेड कर रही है, डेंगू में भी ऐसे ही है। तो इसकी रीज़न ये है कि फीमेल ने एग ले करने होते हैं और फीमेल जो मॉस्किटो है उसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, मेल जो है वो प्रोटीन नहीं लेता। लेकिन फीमेल ने चूँकि एग बहुत सारे ले करने होते हैं और एग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और उस प्रोटीन को पूरा करने के लिए वो ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है, तो इसलिए फीमेल ज़्यादा बाइट करती है और जब वो बाइट करेगी तो ज़्यादा डिजीज़ भी वही ट्रांसफ़र करवाएगी। इसका ये पॉइंट है। इसी तरह जो फ्लीज हैं ये प्लेग की डिजीज़ करते हैं, जैसे जुएं वगैरह हो गई या ये इसके टिक्स माइट्स वगैरह हो गए और फ्लीज हो गई, तो इन्होंने बड़ी एलर्जी कास्ट करनी है ये एनिमल्स में भी और तकलीफ दे अमल ये हम करेंगे, खारिश पड़ जाएगी, अजीब सी सोजिश पड़ जाएगी बॉडी पे, तो ये प्लेग की डिजीज़ जो है वो ये कास्ट करते हैं। इसी तरह सीसी फ्लाई का मैंने बताया था कि ट्राइपैनोसोमा जो है अफ्रीकन के पीपल में दे के उनको स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज़ करवाती है। हाउस फ्लाइज में बहुत सारी बीमारियों के जर्म्स पार्टिकल उसने रखे होते हैं, टाइफाइड इनसे हो सकता है, फूड पॉइजनिंग इनसे हो सकती है, डायरिया की बीमारी इनसे हो सकती है। तो ये सारे वैक्टर के तौर पर हैं, डायरेक्ट ये डिजीज़ नहीं कास्ट करवाते बल्कि इनडायरेक्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी हमारी जो लकड़ी का सामान है, फर्नीचर है, ये डैमेज करते हैं, जैसे टर्माइट्स वगैरह हैं, ये मुकम्मल तौर पे हमारी फर्नीचर हो गया या बाकी वुड हो गई उसको ये मुकम्मल तौर पे खा जाते हैं। हमारे और भी आर्टिकल्स ये ख़राब करते हैं, जैसे किचन की चीज़ों को काकरोच नहीं छोड़ता, काकरोच ख़राब कर देता है, हाउस फ्लाई हमारी किचन की चीज़ों को ख़राब कर देती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे, जैसे हल्की सी नमी होती है तो गंदम ख़राब हो जाती है या हमारे बाकी अनाज ग्रेन्स वगैरह दालें वगैरह यानी ये ख़राब हो जाती हैं, उसमें भी बहुत मुख्तलिफ वैरायटी के इंसेक्ट जो है वो हमला करते हैं और उनको अनाज को ख़त्म कर देते हैं, गंदम को ख़त्म कर देते हैं। आटा जो है वो जो जो है उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी अजीब से ये जो मास्क ये इंसेक्ट वगैरह जो है ये लग जाते हैं और ये खाने की जो अशिया है उनको ये ख़राब करते हैं। अच्छा, फिर इसमें से कुछ चीज़ें जो है अभी भी मैं समझती हूँ कि मिस हैं तो वो हमारी पढ़ने वाली हैं। जैसे इनका बिहेवियर में हमने बेशक पढ़ा कि ये सोशल बिहेवियर देखा, कम्युनिकेशन में हमने देखा कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कुछ अपने साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, फिरामोन्स छोड़ के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे जो है इन्वायरमेंट के साथ कुछ पॉइंट्स हमारे जो अभी भी मिस हो गए हैं, जैसे एक डायापाज का प्रोसेस है। डायापाज का मतलब है कि कुछ देर के लिए इंसेक्ट डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं या बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अपने ऊपर कवर चढ़ा के डॉर्मेंट रहेंगे, तो उस अमल को हम डायापाज कहेंगे। इसके अलावा भी पॉइंट है जैसे मिमिक्री का है, कीमोफ्लेज का है जिसे क्रेप्सिस भी बोलते हैं, तो कीमोफ्लेज है, मिमिक्री है। कीमोफ्लेज का मतलब है कि इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मैच करवा लेना या प्रीडेटर से बचने के लिए या प्रे को पकड़ने के लिए, इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मैच करवाना। जैसे मेंटिस मैंने पिछली डायग्राम में आपको दिखाया था
ग्रासहॉपर है, मेंटस है, तो ये प्लांट के साथ अपने आप को मैच करवा लेता है ताकि एक तो प्रीडेटर जो है इसे देख ना सके और प्रे भी ना देख सके, प्रे को ये पकड़ सके, प्रीडेटर से ये बच सके। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके साथ सॉइल के साथ अपने आप को मैच करवा लेते हैं, कुछ जिस अनाज में रह रहे होते हैं उस अनाज की शक्ल के तरह के हो जाते हैं। जैसे इसके दालें हैं मुख्तलिफ, जैसे मसर की दाल है, मसूर की दाल है, तो इंसेक्ट जो लगे होते हैं वो बिल्कुल मसूर की शेप में होते हैं। तो यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ये मैच करवा लें ताकि इनको प्रे जो है वो प्रे को ये पकड़ सकें, प्रीडेटर से ये बच सकें और नज़र ना आए, तो इस तरह की जो इनकी होती है रिजेम्बलेंस होती है इन्वायरमेंट के साथ, इस अमल को कीमोफ्लैज कहेंगे। और उसकी मैंने एग्जाम्पल जैसे दी है, मेंटस दिया है कि वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पत्तों में ही रहता है, इसी वो भी वैसा ही होगा जैसे वो लीव्स वगैरह होंगे। तो अगर तो ये इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मैच करवा रहे हैं तो इस अमल को कीमोफ्लेज बोलेंगे। लेकिन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इन्होंने अपने आप को मैच करवाया है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ इन्होंने अपने आप को मैच करवाया है, तो बिल्कुल उसकी नकल की है, कॉपी की है, तो तब इस प्रोसेस को हम मिमिक्री कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की कॉपी करते हैं उसे हम मिमिक कहेंगे। और मिमिक्री से भी बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, क्योंकि मिमिक्री की मिमिक्री है, मलेरियन मिमिक्री है, ये एक अलहदा से टॉपिक है। तो इसमें भी जो है एग्जाम्पल बहुत सारी आती हैं, तो मैंने इसकी स्लाइड तो नहीं बनाई, अभी मेरे माइंड में आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे एक बटरफ्लाई है जिसे मोनार्च कहते हैं, मोनार्च बटरफ्लाई। ज़्यादातर अख के जो पौधे होते हैं जिसे मिल्की वीड बोलते हैं, उनमें ये पाई जाती हैं और ये डिसटेस्टफुल हैं, इनको कोई खाता नहीं है, अमूमन बर्ड्स अवॉइड करते हैं इसको खाने से, डिसटेस्टफुल है, इसका कोई भी जायका नहीं है। तो ये मोनार्च थोड़ी जो है वो बड़ी होती है ये बटरफ्लाई। और एक और बटरफ्लाई है जिसे वाइसराई बोलते हैं, वाइसराई बटरफ्लाई जो है ये टेस्टफुल होती है और बर्ड्स इसको छोड़ते नहीं हैं, वो इसको खा लेते हैं। तो इसने अपनी ये यानी अपनी इसने अपना पूरा कलर भी, कलर पैटर्न भी, अपने विंग्स की शेप भी, उसके ऊपर जो पिगमेंटेशन है वो सारी मोनार्च की तरह ये अपनी अडाप्टेशन कर लेती है ताकि जो प्रीडेटर हैं वो इसे समझें कि ये मोनार्च ही है और इसे खाएं ना, और इस तरह ये अपने प्रीडेटर से बच गई है। इस तरह की मिमिक्री को हम बैट्सियन मिमिक्री, ये आपको किसी भी जो है उसकी जूलॉजी की बुक में से मिल जाएंगी, उसमें से फिजियोलॉजी वाले जो है उसमें उसकी उस बुक से मिल जाएंगी, या गूगल से आप देख लीजिएगा। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स आपने देखनी है कि मलेरियन मिमिक्री कैसी है और उसमें कौन कौन से इंसेक्ट आ सकते हैं और बैट्सियन मिमिक्री किस तरह की है। और बाज ऐसे इंसेक्ट हैं जिन्होंने कुछ ऐसे जो है पिगमेंटेशन कर लिए हैं जिससे वो बड़े खौफनाक लगते हैं और वो अलर्ट करवाते हैं इसको प्रीडेटर को कि मेरा नाम है, तो बहुत ही डेंजरस किस्म का जो है इंसेक्ट हो, तो उन्होंने ऐसे लग रहा होता है उनके उसके ऊपर विंग्स के ऊपर आई स्पॉट लगे होते हैं, वो दूर से ऐसे लगता है कि किसी और एनिमल की खौफनाक आँखें हैं। तो ऐसा काम भी इन्होंने किया हुआ है अलर्ट करने के लिए भी, अपने प्रीडेटर को अलर्ट करने के लिए कि मेरे पास ना बढ़ना, तो मैं बहुत ही यानी डेंजरस किस्म का हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 1, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय इंसेक्ट इज। तो बायोलॉजिकल यानी हमारे दोस्त कीड़े कौन से हैं, इनमें ए पे है लेडी बर्ड बीटल्स, और बी पे एफिड, सी पे वीवल्स और डी पे बीज। तो इसमें जो है लेडी बर्ड बीटल्स आएगा, लेडी बर्ड बीटल्स। तो ये एफिड तो हमारा नुकसानदेह है, वीवल बीज ये हमारे नुकसानदेह हैं, तो लेडी बर्ड भी, इसको लेडी बग भी बोलते हैं, लेडी बर्ड भी बोलते हैं। सेकंड है बिगेस्ट क्वीन फ्रॉम ऑल सोशल इंसेक्ट कॉमनली सीन इन हनी बीज, टर्माइट, आंट, नन ऑफ दीज। तो क्वीन है वो टर्माइट में नजर आती है, तो टर्माइट की अगर वो क्वीन जो है वो अगर मर जाए तो पूरी कॉलोनी उससे डिस्टर्ब हो जाती है और वह जो हार मान लेती है अपने जो है प्रीडेटर से और वो बिल्कुल कॉलोनी ख़त्म हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सोशल बिहेवियर से कोई आ जाएगा। थर्ड जो है एक्ट एज वेक्टर फॉर प्लेग, तो प्लेग के लिए वेक्टर का काम कौन करता है, ए पे सीसी फ्लाई, बी पे हाउस फ्लाई, सी पे मॉस्किटो और डी पे फ्लीज। तो इसमें कौन सा आएगा, फ्लीज आएगा। यहाँ पर कोई भी डिजीज पूछ सकते हैं,
उस पर स्लीपिंग सिकनेस पूछ सकते हैं, येलो फीवर पूछ सकते हैं, डेंगू पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ इंसेक्ट व्हेन फर्स्ट 4 स्पाइरेकल्स आर क्लोज्ड व्हाट हैपेंड, कि जब पहले 4 पेयर जो है क्लोज हों, अगर वो ओपन होते हैं तो इंस्पायरेशन होती, वो क्लोज हो रहे हैं तो इसका मतलब है एक्सपायरेशन है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। मैं आगे बहुत डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि अभी हमारा एक टॉपिक और भी पड़ा हुआ है और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टा। तो ये इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन जो लास्ट टॉपिक है, इसमें हम इंसेक्ट को ऑर्डर में डिवाइड किया है। अगर आप सारे ऑर्डर पढ़ना चाहो तो मिलर एंड हार्ले की बुक में भी है और हिकमैन की बुक में भी सारे ऑर्डर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और उसमें से जो कॉमन मेंबर हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ऑर्डर किस बेस पे किए हैं वो मैंने नहीं किया, जस्ट ऑर्डर के नेम किए हैं और जस्ट नीचे ऑर्गेनिज्म जो है वो इंसेक्ट जो है वो नीचे लिख दिए। ऑर्डर है थाइसेन्यूरा, थाइसेन्यूरा जो है इसमें सिल्वर फिश आती है, यानी आपसे कोई पूछे सिल्वर फिश का कौन सा ऑर्डर है तो आप थाइसेन्यूरा कहेंगे। ऑर्थोटीरा जो है उसमें ग्रासहॉपर है, लोकास्ट है, क्रिकेट है, काकरोच है। ऑर्डंटा जो है, ऑर्डंटा में कौन आएंगी, ड्रैगन फ्लाइज और डैमसल फ्लाइज आएंगी। और ऑर्डर जो है निकॉप्ट्रा जो है, निकॉप्ट्रा में स्कॉर्पियन फ्लाइज आएंगी। और जो ऑर्डर डिप्ट्रा है ये बहुत ही कॉमन है और डिप्ट्रा में जहन में रखिएगा ट्रू फ्लाइज आएंगी, हमारी हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका का ऑर्डर है ये डिप्ट्रा। और इस तरह हेमिनोप्ट्रा में कौन आएगी, हेमिनोप्ट्रा में आंट है, बीज है, वेस्प है, और मेरा क्या, हाँ, आंट, बीज और वेस्प, ये जो है हेमिनिप्ट्रा में आएंगे। तो होमोप्टेरा में, होमोप्टेरा में कौन आएंगे, साइकेड्स, एफर्ड्स, स्केल इंसेक्ट, ये ज्यादातर जो ये फसलों के वो जो जिसे हम कहते हैं हरा तेला, सफेद तेला और सुंडियाँ और चितकबरी सुंडी और सब सुंडी और ये जो है ये इसमें आएंगे होमोप्टेरा में। और कोलियोटेरा जो है, कोलियोटेरा में कौन आएंगी, बीटल्स आएंगी, फायर फ्लाइज आएंगी और लेडी बग, जिसको मैंने दोस्त कीड़ा कहा था, तो वो किस में आएगी, वो कोलियोटेरा में आएगी। और हेमिटेरा जो है, हेमिटेरा में कौन आएगा, वो ट्रू बग्स आएंगी। और उसके अलावा लेपिडोप्ट्रा, लेपिडोप्ट्रा भी बहुत कॉमन है, लेपिडोप्ट्रा में बटरफ्लाइज आएंगी, मॉथ आएंगी, और आइसोप्टेरा में क्या आएंगी, टर्माइट्स आएंगी। ये वाला क्वेश्चन जो है, जब मैं पीएचडी का टेस्ट दे रही थी जीसीयूएफ में, तो तब भी ये आया हुआ था, और जब मैंने 18 का दिया था तो तब भी ये आया हुआ था कि सिल्वर फिश का ऑर्डर क्या है, सिल्वर फिश से बड़े क्वेश्चन निकलते हैं, तो ये एक ना एक ऑर्डर पूछ लेते हैं, इसलिए ये आपको सारे ऑर्डर आने चाहिए। तो सिल्वर फिश का है थाइसेन्यूरा। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना आर कॉमन फीचर्स ऑफ, तो ये हमें पता है कि ये इंसेक्ट के हैं, यहाँ पे हेक्सापोडा आया तो तब भी आप लगाओगे, इंसेक्ट आया तब भी, इंसेक्ट का कोई मेंबर हुआ तो तब भी आपने यही आंसर देना है। तो यहाँ पर क्रस्टेशियन का पूछ सकते हैं या किसी और आर्थ्रोपोड का भी पूछ सकते हैं कि वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉमन मेंबर ऑफ ऑर्डर लेपिडोप्ट्रा। अब लेपिडोप्ट्रा हमने पीछे भी देखा है, अब आपके सामने है लेपिडोप्ट्रा और इसमें बटरफ्लाइज और मॉथ है, तो अगर ये आपको आता है आप फौरन कहोगे कि जो लेपिडोप्ट्रा का मेंबर है वो कौन सा है, वो बटरफ्लाई है, वो हाउस फ्लाई नहीं है, वो डिप्ट्रा में आएगी, वो ड्रैगन फ्लाई नहीं है, वो सीसी फ्लाई नहीं है, वो कौन सी है, वो बटरफ्लाई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। अब जो है कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए में है सिल्वर फिश और उसके साथ है इंसेक्टा, हमें पता है सिल्वर फिश इंसेक्ट में आती है, और क्रे फिश है और उसके साथ है कैलिसरेटा, और डेफनिया है और उसके साथ है क्रस्टेशिया, और टिक्स है और उसके साथ है एरेक्निडा। ये आप लोगों ने खुद देखना है, मैं जस्ट इसको अब जो है हिंट मैंने दे दिया है कि पहला ए वाला तो नहीं आएगा, सिल्वर फिश और इंसेक्ट नहीं आएगा। अब आपने देखना है क्रे फिश जो है वो कैलिसरेटा का मेंबर है या वो क्रस्टेशिया का है, डेफनिया जो है वो क्रस्टेशिया का मेंबर है या वो कैलिसरेटा का है, टिक्स जो है वो एरेक्निडा में आता है या नहीं आता, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुद बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा है। हाँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी ये इस लेडी बग हमारे दोस्त कीड़े के साथ ही जो है आज इस लेक्चर का एंड करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आर्थ्रोपोड्स को एक जो है अच्छे वे में आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको एक लेक्चर में नहीं करना,
तो तब भी मेरे माइंड में था कि मैं इसको तीन लेक्चर में जो है वो दूंगी, और मैंने उसको कंप्लीट भी किया है। अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो वो आपने खुद करने हैं, और इनमें से क्वेश्चन बहुत निकलेंगे, इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, हमारे साथ शेयर रहना है, शेयर करना है, कनेक्टेड रहना है, और अपने क्वेश्चन जो हैं जो आपको नहीं आ रहे होते तो वो क्वेश्चन जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाज़ स्टूडेंट ये भी कह रहे होते हैं कि मैम आप आंसर नहीं करती, मुझे ये होता है कि मेरे पास टाइम कम है और मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो एक ही टाइम में बता दूँ, उसके बाद फिर मैं जो है वो आंसर जो है उसको फिर मैं कोशिश होती है कि मैं या तो उसी लेक्चर में ही बता दूँ, और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं अगले लेक्चर में वो बता देती होती हूँ, वो ऐसा इशू नहीं है। तो आप जो है आप मेरे साथ रहें, हमारे साथ रहें, कनेक्टेड रहें, सेफ एंड कनेक्टेड। इंशाल्लाह जो है हमारा प्रोटोस्टोम तो हमारा कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ड्यूटीरोस्टोम से होगा, और ड्यूटीरोस्टोम में हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आप समझे कि आप डाइवर्सिटी को एंड कर रहे हैं, उसके एंड की तरफ जा रहे हैं, यानी हमारा लास्ट इनवर्टिब्रेट जो है वो लेक्चर है इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हमारे इनवर्टिब्रेट्स ख़त्म हो जाएंगे। प्रोटोस्टोम तो हमने आज ही ख़त्म कर दिया, लेकिन इनवर्टिब्रेट हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम जो डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे वो वर्टिब्रेट्स की करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बी कनेक्टेड, बी सेफ।